हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियोज पीपल। आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। मेनली एडवर्ब की डेफिनेशन ये होती है किसी भी क्रिया या विशेषण की जो वर्ड विशेषता बताए उसे कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, जो जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आर्यन राइट्स क्लीनली, जो आर्यन है वो साफ लिखता है। तो राइट्स जो हो गया वो क्रिया हो गया, और क्लीनली क्रिया की भी विशेषता होगी। हाँ भाई, लिखता है लेकिन कैसे साफ लिखता है। वैसे ही है द ओल्ड मैन वोड वेरी स्लोली, जो वृद्ध आदमी है बहुत ही धीमी गति में चलता है। तो इसे हम क्या, वो तो क्रिया होगी लेकिन जय स्लोली, स्लोली एक हमारी विशेषता है कि वो कैसे चलता है, स्लोली। लेकिन कितना स्लोली चलता है, वेरी जो है वो हमें बता रहा है। तो इट इज़ एडवर्ब। इसमें भी यही गिवन है कि क्या एडवर्ब है क्या एडवर्ब नहीं है। अब है हमारा, इसके कार्य के अनुसार होते हैं दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल, दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, पहले हम सिंपल पढ़ लेते हैं। सिंपल में क्या होता है, जिस एडवर्ब का अर्थ अपने आप में पूर्ण हो उसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे शब्द का वाक्यांश की आवश्यकता ना हो उसे सिंपल एडवर्ब। मतलब कि अपने आप में जो वर्ड, जो भी एडवर्ब है वो अपने आप में ही पूरी हो, किसी और की हेल्प ना लेनी पड़े अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। जैसे कि नोनू राइट्स वेल, जो नोनू है वो अच्छा लिखती है। तो अगर हम बस हमारे यहाँ पे जो क्रिया विशेषण है वो वेल है, ठीक है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रही है। तो अगर हम अलग से भी देखें, वेल मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है, और एक ये पूरा मीनिंग बता रहे हैं। अब है हमारा रिलेटिव सेंटेंस में होता है वह एडवर्ब जो अपने आप में पूर्ण ना हो उसे जिस और जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे वाक्यांश का सहारा लेना पड़े, अर्थात उसे संबंध जोड़क पड़े उसे रिलेटिव संबंध जोड़ना पड़े उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। एग्जांपल है, प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन शी इज कमिंग, कृपया मुझे समय बताओ जब वह आ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो वैन है वो एडवर्ब का काम करता है। इस वाक्य में एडवर्ब वैन क्रिया टेल को मॉडिफाई करता है और अर्थ स्पर्श करने के लिए शी इज कमिंग वाक्य से संबंध चाहता है, इसलिए वैन रिलेटिव एडवर्ब। देखो, अब हम विदाउट खाली वैन लिखें, वैन मतलब कब तो होता है, जैसे कि वैन विल यू कम, तुम कब आओगे, ठीक है, ये तो होता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस के लास्ट में बस वैन लिख के छोड़ देते, हो जाता नहीं, सेंटेंस गलत हो जाता। तो वैन के साथ हमने जब शी इज कमिंग ये लगाया तो उससे जो हमारा सेंटेंस था वो भी पूरा हो गया और वैन को भी सहारा मिल गया। तो इसलिए ये रिलेटिव, ये देखो संबंध, संबंधी मीन्स जरूरत, जरूरत मीन्स रिलेटिव। तो ऐसे थोड़ा रिलेट करके पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ एफिमेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कैमिजिशन, ये सारा करने वाले हैं। नोट नेक्स्ट वीडियो, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा।
हमारे टोटल 8 हैं, हम कल 4 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 4। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ